नमस्कार, मी आकांक्षा वाघ झुंबा न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करते. चला बघूया आजच्या महत्त्वाच्या बातमीकडे. भारतीय छात्र संसदेच्या भारतीय छात्र परिषदेच्या सांगली जिल्हा समन्वयकपदी प्रज्ञा भगतची निवड झाली. 27 एप्रिलला MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट मध्ये शपथविधी सोहळा पार पडला. मीडियाशी बोलताना त्या म्हणाल्या, लोकशाही बळकट करण्यासाठी युवांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झालं पाहिजे. सांगली जिल्हा समन्वयक पदावरती असताना सांगली जिल्ह्यातील समस्त युवकांना त्यांनी आवाहन केले की सारे मिळून या सांगली जिल्ह्यासाठी काम करू. सुरुवात आपल्या कॉलेजमधून, आपल्या तालुक्यातून, आपल्या जिल्ह्यातून करू. तसेच भारतीय छात्र संसद 2020 साठी सांगली जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त सहभागी हो आणि लोकशाही बळकट करण्याचे काम करू. तसेच प्रज्ञा भगत यांनी जिल्ह्यातील युवक युवतींना आवाहन केले की आपल्या समस्या मांडल्या जाव्यात, माझ्याकडून तुमच्या समस्या चर्चेतून निवारण करण्याचा पूर्ण प्रयत्न होईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली. कुछ साल पहले हमारे देश के महान शास्त्रज्ञ और भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर ने एक सपना देखा था कि हमारा भारत देश 2022 तक महासत्ता बनाना है. आज 2019 साल शुरू है. मुझे नहीं पता कि 3 साल में हम महासत्ता बन सकेंगे या नहीं, लेकिन देश में बार बार होने वाले चुनाव, उनकी वजह से बर्बाद होने वाले समय, पैसे और निर्माण होने वाली अस्थिरता की वजह से हमारे देश को महासत्ता बनने में बड़ी रुकावट है, जिसको चाहे तो हम दूर कर सकते हैं एक देश एक चुनाव संकल्पना के माध्यम से. 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा खर्च हुई रकम थी 1,700 करोड़. 2014 के लोकसभा चुनाव में वही खर्च था 4,000 करोड़. अनुमान है कि इस बार के चुनाव में यही खर्च बढ़कर 7,000 करोड़ से ज्यादा हो सकता है. ये सभी लोकसभा चुनाव के खर्च के आंकड़े हैं. बाकी हमारे देश में विधानसभा चुनाव और कई तरह के चुनाव होते हैं, जिसमें होने वाला सरकारी खर्च लोकसभा चुनाव से कई गुना ज्यादा होगा. अगर ये सभी चुनाव एक साथ हो जाए तो हमारे देश के कई हजार करोड़ रुपए बच जाएंगे. हमारे देश में जब विधानसभा चुनाव होते हैं, तब देश के बहुत से केंद्रीय मंत्रीगण, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक, सब नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनावी रैलियों में जाते हैं, जबकि उन्हें 5 साल देश के लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए चुना गया होता है. हर साल ये विधानसभा चुनाव होते हैं और हर साल ये मंत्रीगण अपना यही समय रैली में गवा देते हैं. अगर एक देश एक चुनाव संकल्पना साकार हो जाए तो बाकी चुनावों के कार्यक्रम विपरीत हो जाएंगे. हमारा देश कई हजार करोड़ रुपए से बच जाएगा और 5 सालों में एक ही बार चुनावी रैलियों के लिए जाना पड़ेगा. यह एक बहुत बड़ा फायदा हमारे भारत देश के लिए होगा. ना रुकेगा आचार संहिता की वजह से विकास और ना वो जाएगा प्रशासकीय व्यवस्था के ऊपर. बस इस पूरी संकल्पना में मुझे एक दिक्कत दिख रही है. अगर किसी लोकसभा या किसी विधानसभा में कम संख्या बल होने की वजह से कोई सरकार समय से पहले गिर जाती है या खारिज हो जाती है, तो ऐसे समय में क्या किया जाए? क्योंकि अगर उस खारिज हुई विधानसभा या पंचायत का चुनाव फिर से किया जाए तो देश के बाकी चुनावों के कार्यक्रम के विपरीत हो जाएगा. अगर इस विषय पर हमारे संविधान में कोई हल बनाया जाए और हमारे कायदे मंडल की ओर से कोई अच्छा नुस्खा निकाला जाए तो बाकी सब काम आसान हो जाएंगे. हमारे देश का बहुत सारा पैसा बच सकेगा. प्रशासकीय व्यवस्था पर हर बार आने वाला प्रेशर भी भारी मात्रा में कम हो जाएगा और हम गर्व से कह सकेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब. एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब. एक दिन हम होंगे कामयाब. एक दिन